अमरिकम जी, क्या चाल है? ठीक हो? और ठीक हो ना? तो भाई जान, आज का जो व्लॉग है ना, वो एज सच को व्लॉग तो नहीं था, लेकिन मैंने कहा यार, इस इशू को बेसिकली, जो इशू बन गया हुआ, ठीक है, थोड़ा सा ना एड्रेस कर लिया जाए। बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है जिस पे आज हमने बात करनी है। चलते हैं, आज हमारी मुलाकात तय हुई है एक अदद कार कम्युनिटी के बड़े सीनियर मेंबर हसन भट्ट साहब, जानते ही होंगे आप, जानते हैं ना? हाँ जी, वही हसन भट्ट साहब। आज एक अदद हम अपनी ये AMG उनको दिखाएंगे, दूसरी जो है ना वो बातें बड़ी सारी इकट्ठी हुई पड़ी हैं, तो सारी बातें करेंगे और जो आपको सुनाने वाली होंगी वो आपको सुनाएंगे, बाकी हम ऑफ कैमरा करेंगे। लेट्स गो एंड मीट हसन भट्ट। पावर भाई भी क्रिएटिव हो गए हैं, शीशा ही लाता है गड्डी का काट के। गाइस, क्राउन का पेंट स्पॉइल करने लगे हम, ठीक है? रेडी रेडी ओ तेरा यार हूं मैं। प्रेजेंटिंग मिस्टर हसन भट्ट। मेहनत करते हुए गर्मी में, हाँ जी मेहनत करते हुए थाई में जीवन पहले सफर शुरू किया था। खावर भाई, खावर भाई यार सुना डुओ रेडी हो रहा है इधर कोई है, वो खड़ी है। आए खड़ी है। बैग तो भाई, बैग तो फेवरेट है। शाइन तो है, शाइन तो है। नहीं नहीं, इसको बॉस, इसको नहीं छेड़ना हमने, ये इसको तो करवा लेंगे सर। हाँ, ये छत तो कराएंगे। मेरे दोस्त की गाड़ी भी है जिसकी इलेक्ट्रिक सीटें हैं। पटना का मुंडा है, एड्रेस्ट भी है। ये ब्रो, क्या बात है, इससे तो मैं वाकिफ हूँ। यू नो, मैं जर्मन गाड़ी चलाता हूँ, तो लाइट्स भी आपकी गाड़ी में था इलेक्ट्रिक, ये वो सब कुछ? नहीं, एड्रेस्ट नहीं है इलेक्ट्रिक। अच्छा अच्छा, और सेमी इलेक्ट्रिक, लंबर स्पोर्ट भी है, सेमी आते इलेक्ट्रिक। नहीं, उसका नहीं है अंदर यार, देखा यार, लेकिन कूलिंग सीट्स है ना ब्रो, यू नो, वेंटिलेटेड वेंटिलेटेड ब्रो। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह यार, बहुत खूबसूरत। एसी भी है जी, वो चल रहा है, चेक करें थोड़ा सा। कल ही चल, नहीं नहीं, इतना ही है इसका, 100 से नीचे होता है बस, 96 ऊपर रहता है। चूल्हे से ले लिया यार, मुंडा यार, पूरा ही फील तो है यार, फील तो है ना, फील तो है, नो डाउट, माशाल्लाह। बाकी इसको ब्लैक ना करना, ना ना ना, इसको नहीं ब्लैक करना। किधर आ डार, नीचे आ डार है गाइस, स्टीयरिंग है, वो बटन है ब्रो, ये या ब्रो, ओए गुड यार, माशाल्लाह, ये मैंने पहली दफा ही देखा है। क्या बात, हेलो एक्सक्यूज मी, क्या बात है। इसको थोड़ा सा और पीछे करेंगे, लेट के चलाएंगे, नवाबी वाली फीलिंग देंगे, माशाल्लाह। ये तो भाई जर्मन गार्ड्स में ना होती है लाइट्स अच्छी वाली। जरा पूरा ना फेड इफेक्ट चेक किया इसका, जो कैप कट पे लगाता है, स्कूल से खुलता है ये। ये देखो ना। ओके सॉरी भाई, मैं पहली दफा चला रहा हूं यार, मर्ज पे रास्ता नहीं देता किसी। ओए अच्छा, ठीक है, जो मर्जी, बेशक पीछे डाला हो, रास्ता नहीं देना, समझ रहे हो जी? जर्मन माफिया। हां जी, क्या बात है, माशाल्लाह, ड्राइव लाइक अ न्यू कार। ये मिरर्स का, साइड मिरर्स का, हां जी। और ये शीशों का रिट्रैक्ट, और ये पिछला वो सनशेड जियो, क्या बात है। और ये चल रहे हैं, हाँ सब चल रहे हैं, वो सामने मीटर्स के, हाँ क्रूज ही है, क्रूज भी ओके है, डन है ये। बाकी हेडलाइट वॉशर्स और भी नीचे है, नहीं तो चल रहे हैं बॉस, वो तो उठाएं जरा, ये डाउन क्यों, ये वाले अपनी मर्जी से बंद कर लो, खोल चेक करें बॉस। बड़े कुछ अंदर इसके, ये कंट्रोल्स, एवरेज रीसेट वगैरह यहाँ से होती है। अभी बता रहा है 36 लीटर है टैंक में, अच्छा लीटर भी बता, लीटर भी बता रहा है, आगे करेगा तो ये एवरेज बता रहा है लीटर पर 100 किलोमीटर में, लेकिन इसको कन्वर्ट करेंगे तो 11.8 लीटर पर 100 किलोमीटर, 57 कितने में टैंक फुल होता है अभी तक कराया ही नहीं।
पैसे नहीं यार, ये गरीब आदमी करोला पे है, टैंक फुल फुल फुल, इस पे टैंक नहीं फुल कराया। पोपला केम टू मीट पोपला, इसी की तरह से बंद होना, ऐसे माइनस कर दो बस इसको। पोपलू में इब्राहिम को कहता था इसको पोपला कह दिया। पोपला केम टू मीट हिज फ्रेंड, एएमजी मीटिंग हिज फ्रेंड। ओके भाई, अच्छे लग रहे हैं आप, हमने पहली दफा मर्स देखी है। गजब टू बी बाज आदमी, खैर जो सिनेमैटिक शॉट हो रहा है, कितनी वेरी नाइस। सराइकी वेडिंग, सराइकी वेडिंग, माशाल्लाह जी। तो गाइस, हम फाइनली जनाब अपने बिछड़े दोस्त, बिछड़े यार, पिछली सर्दियों के यार से मिले आज। पिछली सर्दियों के यार थे, सीजनल यार, सीजनल यार। सेंसिटिव बातें की जाए या नहीं ये बताइए। सेंसिटिव बातें, सेंसिटिव बातें हो जाती हैं बॉस, आपको पता तो है जो चल रहा है कमेंट्स में। वो तो चलते ही रहेगा, उसका कोई हल नहीं है बॉस। छोटे भाई को भूख लगी है तो छोटे भाई को हम कुछ खिलाने आए हैं, जस्ट लाइक द ओल्ड टाइम्स, ओल्ड डेज, ओल्ड प्लेस। प्लेस का नाम ले लो, सिगरेट नहीं पीने दे रहे हम दिन तक। सिगरेट का क्यों बता रहा है यार, मैंने यही बताया हुआ, मैं नहीं पीता। आप नहीं पीते, ये तो सच्ची बात। ओल्ड ओल्ड वाइब्स, ओल्ड फ्रेंड, ओल्ड प्लेस, ओल्ड मेमोरीज। गहरी बातें कर रहे हो, क्या कहने पड़ते हैं, आए हुए लग रहे हो भाईजान। यहाँ पे ना प्रमोशन ना हो इसलिए छुपा रहे हैं, पैसे चार्ज करते हैं ना ब्रो। डायनामाइट चिकन किधर गया, ये रहा यार डायनामाइट चिकन, ये करना हमने, ये और मोजरेला चीज चीज, आप फुल हो जाओगे। खा मेरा पुत्र, खा, बिल मैं ही दे रहा है। ओ यार फेवरेट यार वो, ये खोलना नहीं, खोल परफ्यूम है यार। अंदर घुमा के ना चटनी में ऐसे, ठीक है, और इसको खाएंगे हम। ओहो, इन्होंने छोटी क्यों कर दी इतनी? आपका भाई वैसे फूल लगकर बन सकता है ना? ना वो बात नहीं, फिक्की लग रही हो, ऐ कम ही लग गई। हमारी कुछ बातें हो रही हैं जरा, हम लोग पुराने दौर में चले गए थे 2022 में, 22 तकरीबन है ना, 22 2022 में चले गए थे, तो अब बंदा नहीं ठीक। अब तो दस दिन है बंदा नहीं ठीक गाइस। आई एम सिंगल, फुल सिंगल, 100% 100% सिंगल। ये देखो जरूरत है रिश्ता, ये देखो। नहीं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा। इसके बाद एक चीज है जो बड़ी ना आजकल चल रही है और उसको एड्रेस करना ना बड़ा जरूरी हो गया, क्योंकि अभी तक हम उसको इग्नोर कर रहे थे। आप लोग भी बचे नहीं है, आप लोगों को भी पता होता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। बार बार जब एक ही बात आप कमेंट्स में करते हैं ना तो वो फिर तंग करने लग जाती है, ठीक है, वो हमें आगे ग्रो करने से रोक रही है। अब सीन ये है कि ट्रियो कमेंट होता है कि जी वाई, वेयर इज ट्रियो, आपका ट्रियो किधर गया, ब्रिंग बैक द ट्रियो, कि आपस में कोई लड़ाई चल रही है या ये ठीक है ना, ये कमेंट्स चल रहे हैं। और फिर कोई ना कोई अंदर से ना कुछ अपनी अपनी तबीयत के हिसाब से ना वो एक्सप्लेन भी कर रहा है कि जी ना अब इसका कसूर है, इसका कसूर है, इसका कसूर है, ठीक है। इसलिए इस चीज को मैं आज यहाँ पे बयान कर रहा हूँ थोड़ा सा, जो मुझे लगता है जो मेरा ओपिनियन है इस बारे में, ठीक है, ताकि आप लोगों के माइंड से ना वो चीजें क्लियर हो। क्योंकि यार आप देखो ना, इग्नोर कर करके भी वो अच्छा नहीं लगता, इस तरह आप लोगों तक बात अगर पहुंचा दी जाए तो बेहतर है, क्लियर कर दी जाए तो ज्यादा बेहतर है। बट आई रिक्वेस्ट यू आफ्टर दिस व्लॉग, मेरा अगर चैनल है ना ये, या मेरी अगर कोई फोटो है, पोस्ट है, हबीब का अगर चैनल है उसका कोई व्लॉग है, हसन का कोई व्लॉग है उसकी कोई पोस्ट है, तो उसके नीचे ना हसन के बारे में बात करें, हबीब के बारे में बात करें, ठीक है। ट्रियो को आपने उसमें से ना अब निकाल देना है। ट्रियो के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, किसका कसूर, ये वो, ठीक है, हम वो लंबी ट्रेल में नहीं जाएंगे, इन शॉर्ट आपको बताता हूँ। बड़ा सिंपल सी ना, छोटी छोटी यार अनबन हर दोस्तियों में होती हैं, ठीक है, कोई ना कोई किसी अगले की बात से आप डिसएग्री कर लेते हो या अगले की बात आपको नहीं पसंद आती, इट्स ओके, इट्स फाइन, मतलब भी चलता है। हमारा सबका तीनों का कसूर ये कह लें कि हमने ना टाइम से चीजें ना डिस्कस नहीं की, अगर कोई मिसकम्युनिकेशन होगी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो उसको ना हल नहीं किया। अब हल ना करने से वो डिस्टेंस इतना बढ़ गया कि अब हल करने की तरफ जाते भी हैं ना तो कोई सोल्यूशन नहीं नजर आता, यानी मतलब
सब चीजें ना कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। कोई मतलब इतनी बड़ी कोई बात है नहीं, बस नहीं मिले आपस में, नहीं डिस्कस किया चीजों को, नहीं क्लियर किया, ये चीज अब ना वो स्टक हो चुकी है उधर। अब देखो मैं दोनों से मिलता हूँ, ठीक है, मेरे दोनों दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं। हबीब के साथ जो मेरी एक दोस्ती है वो है थोड़ी बड़ी प्रोडक्टिव, और जिसमें हम डिस्कस करते हैं अपने फ्यूचर्स का के भाई आगे अब किस तरह कंटेंट का क्या लेके चलना है, या इवन के बड़ा मुझे वो मोटिवेट करता है, स्कूलिंग बहुत अच्छी करता है वो, ठीक है। तो मेरा उसका एक ये बॉन्ड है। हसन भट्ट के साथ अगर बात करें तो उसकी मेरी दोस्ती है जरा शुगल मेले वाली, बड़ा हमने फ्लैट लाइफ में भी बड़ा मतलब बहुत शुगल किया, होता ना कि जो लिमिट होती है मजाक करने की और ये वो, उससे भी 2 किलोमीटर आगे वाले शुगल करके हम वापस आए हैं, पर अभी भी वो मेंटेन है, वो चीज है। यस, कुछ चीजें हबीब में ऐसी हैं जो मुझे नहीं पसंद, कुछ चीजें मेरे अंदर ऐसी हैं जो हसन भट्ट साहब को नहीं पसंद, ठीक है, कुछ चीजें हसन के अंदर ऐसी हैं जो हबीब को नहीं पसंद, ठीक है। वो एक ना कि अब देखो तीनों जो लड़के हैं ना, तीनों हैं वो सेल्फ मेड कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तीनों ने अपना पूरा टाइम पूरी मेहनत लगा के ना अपना एक नाम बनाया, तो अब तीनों की धोन में ना वो प्राइड वाला एक सरिया है, ठीक है। अगर किसी की बात किसी को लगती है ना कि भाई आपके अंदर ये गलत तरकत आप उसको बदले, वो कहता है भाई मैं नहीं बदलता, मैं यही हूँ। इन शॉर्ट बॉस वो जो सरिया जो है ना उसने सारा काम खराब किया है। आई नो कि यार आपका भी यही कंसर्न है और आप भी यही चाहते हैं कि अगर इकट्ठे होकर आ जाए तो ज्यादा बेहतर है, बट यार कुछ चीजें होती हैं जो ना जिनको टाइम देना चाहिए। अब अगर ये डिफरेंसेस आए हैं ना तो इसको टाइम देंगे, ठीक है, इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन, ठीक है। आगे भाई जो ना बड़ा है सबसे ट्रियो में, अपने एक्सपीरियंस से मैं यही बता रहा हूँ कि इस चीज को ना टाइम देना पड़ेगा। मैं आज अगर आप कहते हैं ना कि तीनों मिल के बैठ जाएं तो बॉस वो वाली वाइब्स आपको नहीं आएंगी दोबारा। इन शॉर्ट ये ट्रियो फिलहाल के लिए इट्स ओवर। मेरे पास ये गाड़ी है इस टाइम, इसको मैं लेके चल रहा हूँ, बड़े अच्छे मेरे प्लान आगे इनशाला मैं परस्यू करूंगा, आप देखें इंजॉय करें। हबीब के पास क्राउन है, उसको वो कर रहा है रेडी, आगे उसका मे बी कोई प्रोजेक्ट होगा वो आप इंजॉय करें। हसन भट्ट आजकल जरा बैड डेज रहे हैं, अपनी गाड़ी दोबारा इंशाल्लाह रोड पे लाएगा, उसको आप एज इट इज एंजॉय करें। तीनों का अपना सफर है, ठीक है, बजाय इसके कि आप एक ही चीज पे वही कमेंट्स में अड़े रहे क्या हुआ है कैसे हुआ है। मैं आपको यही कहूंगा कि बॉस इसको प्लीज लेट इट गो। आपका भाई आपको इतना जरूर करके दिखा सकता है कि एक हम जो है ना एक माफिया डुओ आपको दिखाएंगे, एक हम जर्मन डुओ भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो इन फ्यूचर जो है ना ये थोड़ा बहुत आगे आपको चीजें देखने को मिलेंगी, इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग होंगी, ठीक है, ट्रियो के बगैर भी इंटरेस्टिंग होगी। इट्स ओके, लेट इट गो। और आप जब बार बार एक कमेंट करते हैं ना तो फिर हम जो है ना वो एक तरह से फेड अप से हो जाते हैं कि यार ये क्या एक ही बात आवाम कर रही है, ठीक है। तो जिस तरह आप वो चीज दोबारा चाह रहे हैं ना, शायद अल्लाह करे वो दोबारा हो जाए, लेकिन उसके ना चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो अभी हमें इंडिविजुअली ग्रो करने दें, प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है। और इन फ्यूचर अल्लाह करे, अल्लाह सबके दिलों में, हम सबके, हम तीनों के दिलों में कोई इस तरह का कोई प्यार इस तरह का डाल दे कि शायद हम दोबारा उस तरह बैठने लग जाएं। फिलहाल के लिए आपसे बस इतना ही कहना था कि यार कोई बड़ा फड्डा नहीं है, बस थोड़ी बहुत अनबन एक दूसरे में हुई है। अब मैं हबीब के साथ कुछ टाइम भी ना ऑफ रहा हूं, मैं हसन भट्ट के साथ भी जहाँ कुछ टाइम, काफी टाइम, बल्कि 1.5-2 महीना जो है ना हम तकरीबन बोले ही नहीं एक दूसरे से, कोई बात नहीं की, और उसकी वजह यही थी, कुछ मेरे अंदर बात थी जो उसको नहीं पसंद थी, कुछ उसके अंदर थी जो मुझे नहीं पसंद थी, को हमने डिस्कस नहीं किया ना एक दूसरे को हमने चेंज किया। इसी तरह में और हसन में भी कुछ थोड़ा बहुत ऐसा ही है। तो ये कोई बहुत बड़ा कोई फड्डा नहीं है, कोई जमीना दे रोले नहीं है कि जरा सी लड़ के बैठ गए, ठीक है। छोटी छोटी चीजें थी, फिर हबीब की शादी हो गई, मेरी शादी हो गई, तो वो थोड़ा सा फिर मैं शिफ्ट भी इनसे दूर हो गया हूँ बहुत ज्यादा। अब वैसे भी अगर हम इकट्ठे होते भी तो इतना शायद ना मिलते। तो यार देखो लाइफ है, आगे मूव ऑन करेंगे, जैसे जैसे आगे जाते जाते हैं ना तो इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है, आप ना चाहते हुए भी दूर हो जाते हो। यार थोड़ा सा ना कमेंट्स के अंदर ये चीज को थोड़ा सा बस दूर कर, थोड़ा सा हमें ग्रो करने दें इंडिविजुअली, अपनी अपनी जगह पे रहते हुए ना, ये रिक्वेस्ट है आपसे। आई होप कि आप ये मेरा पॉइंट छोटा सा अंडरस्टैंड कर गए होंगे। 3 डिफरेंट स्टोरीज हैं, तीनों की गाड़ियों को लेके अपने अपने तीनों के प्लान है। यू नेवर नो व्हाट फ्यूचर ब्रिंग्स, सो प्लीज लेट इट गो फॉर नाउ। एंड दुआओं में भाइयों को याद रखें, ठीक है, तीनों को, और जो ट्रियो की यादें थी उसके सारे हम फिलहाल जिएंगे, ठीक है। व्लॉग्स के अंदर पीछे जाएं जब दिल करे ट्रियो देखने का, व्लॉग्स पड़े हुए हैं बैक वाले, ठीक है, थोड़ा सा यूट्यूब स्क्रोल करनी है, पीछे जाना है और पुराने व्लॉग्स देखने हैं, ठीक है। मैं खुद अक्सर बड़े देखता हूँ, बड़ा मजा आता है। कुछ इस तरह की यादें भी होनी चाहिए यार, यादों के सहारे भी जीना चाहिए। इट्स ओके, चंगा मेरा, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड आई विल सी यू सून विद द नेक्स्ट वन। Take care.